में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मचान पर हथियारों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बाजारों में सीसीटीवी लगे हैं, मेटल डिटेक्टर से लोगों की जांच की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, स्वाभाविक तौर पर त्योहार का समय है और खासतौर पर दिवाली से पहले यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको काफी हद तक सिक्योर किया जाता है, इस बार क्या तैयारी है और क्या अलग किया जा रहा है? देखिए, त्योहार की तैयारियां हर बार यही होती हैं, इस बार अलर्ट थोड़ा ज्यादा है। वजह इसकी दो है। पहला तो ये कि इस बार के जो त्योहार हैं वो फुल फ्लेज कहिए तो कोविड के बाद पहली बार पूरी भीड़ के साथ होंगे। दूसरा कि जिस तरह से लगातार थ्रेट्स आ रही हैं हवाई जहाज को, इसके अलावा रेल पटरियों पे जो लगातार आप साजिशें देख रही हैं उसको लेकर अलर्ट है कि ऐसा ना हो कि इस तरफ ध्यान बटाकर कोई और घटना हो जाए, इस वजह से भी अलर्ट थोड़ा ज्यादा है। तीसरा ये कि इस बार सर्विलांस के लिए कई तरह का मैकेनिज्म AI और बाकी सब चीजों का इस्तेमाल हो जाए, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल करके किस तरह से ज्यादा सर्विलांस और ज्यादा चीजों की मॉनिटरिंग हो, इस बात की कोशिश की जा रही है। कई जगह मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, स्टाफ जो है सिक्योरिटी स्टाफ वो बढ़ाया गया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके वहां पे कई तरह के एडवाइजरी जारी की गई है लोगों को, ताकि अगर वो जाएं और कुछ चीजें अगर उनको संदिग्ध दिखती है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसी स्पॉट से जो सबसे नजदीक का केंद्र है उस तक कैसे जा सकते हैं। कियोस्क लगाए गए हैं ताकि उन कियोस्क पर जाके आप ये बता सकते हैं कि फला पोस्ट या फिर फला पिलर के पास कुछ ऐसा है जो संदिग्ध है, क्लिक करके आप सोशल मीडिया पर जानकारी दे सकते हैं पुलिस को और जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उनको, ताकि वो इसको लेकर अलर्ट हो जाए या फिर जो आगे की कार्रवाई वो कर सके। इसके अलावा जो स्टाफ है जो सिक्योरिटी में दिल्ली के तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बड़े बाजारों में, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर, उनकी संख्या लगभग 40% पिछली बार की तुलना में बढ़ाई गई है। इसके साथ ही तमाम वो जंक्शन जहाँ पे कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है उन जंक्शन को ज्यादा सिक्योर करने के लिए उन राज्यों की पुलिस के साथ साथ दिल्ली की पुलिस भी कोऑर्डिनेट कर रही है, ताकि बेहतर तरीके से ट्रांजैक्शन, उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको मॉनिटर किया जा सके। गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है, कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं, कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जिनको किसी एक तरह से कहिए तो सील करके देखा जा रहा है कि जो गाड़ियां जिनकी आवाजाही हो रही है उनमें क्या कुछ संदिग्ध कोई ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं हो रहा, जो लोग आ रहे हैं उनकी वो भी अगर संदिग्ध पाए जाते हैं उनकी भी जाँच हो रही है। तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी की जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट पे हैं और चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था दिवाली और इसके बाद भी। बिल्कुल अमरीश, ये भी बताइए बहुत संक्षिप्त में कि मिलावटी मिठाई को लेकर भी काफी ज्यादा इनपुट्स मिले हैं, अब इसको लेकर फूड डिपार्टमेंट ने नकेल कसी है, कहाँ कहाँ पर छापेमारी की गई है और क्या कुछ लोग पकड़े गए हैं इसके लिए? देखिए, नकली को लेकर पूरे उत्तर भारत में हम ये कह सकते हैं कि फूड डिपार्टमेंट अलर्ट पर है, लगातार जो फूड रेगुलेटर है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी राज्यों को, तो सभी राज्यों के जो फूड डिपार्टमेंट हैं वो इसके साथ साथ फूड रेगुलेटर यानी कि FSSAI के जो अधिकारी हैं वो ऐसे औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि लगातार जो नकली है चीजें, जैसे कि दूध हो गया, नकली घी हो गया, नकली मिठाइयां, मिलावटी मावा हो गया, उनकी जब्ती की गई है। आगरा, ग्वालियर, राजस्थान में जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इसके साथ ही दिल्ली में अगर बात करें तो द्वारका, सुल्तानपुरी, मयूर विहार, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि हजारों टन नकली मावा और नकली घी जब्त किया गया है। आगरा में हमने देखा है कि लगभग 10,000 लीटर नकली घी को जब्त किया गया है, जो कि पाम ऑयल और खराब जो मोबिल ऑयल होता है उसको रिसाइकल करके बनाया जा रहा था, तो एक अलर्ट पर है। साथ साथ एहतियातन कई सारे ऐसे मार्केट्स में जहां से की ज्यादा खरीदारी होती है वहां पर फूड वैंस लगाई गई है, ताकि अगर किसी को लगता है कि जो वो मिठाई खरीद रहा है वो उसमें कुछ मिलावट हो सकती है क्या, तो इसको जांचने के लिए वो फ्री में वहां से जांच भी करा सकते हैं। साथ ही लोगों को लगातार इस तरह की जागरूकता भी फूड रेगुलेटर की तरफ से बताई जा रही है कि किस तरह से आप नकली और असली की पहचान कर सकते हैं, ताकि जो आप चीजें अपने स्वाद के लिए, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लेके जा रहे हैं वो कहीं आपके स्वास्थ्य को खराब ना कर सके। जी, तो तैयारी पूरी तरीके से है, बिल्कुल एकदम चाक चौबंद सुरक्षा भी, और वही नकली मिठाइयों को लेकर भी काफी अलर्ट है और कैसे पहचान करें इसको भी लेकर तमाम एडवाइजरी सबके सामने है।